दोस्तों एन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्राउन की ये एक एम्पलीफायर है जिसके ऊपर सवाल है, और ये है क्राउन की 4002 XTI सीरीज। और आप देख सकते हैं इसके रेडी सिग्नल, जब रेडी रहता रेडी आएगा सिग्नल, जब आप मिक्सर की इनपुट इसमें देंगे तो ये आपकी सिग्नल यहाँ पे दिखाएगा। DB है और -20 DB, -10 DB साउंड आपको मीटर दिखा रहा है। क्लिप क्लिप नहीं जाना है, हमेशा कोशिश करें थर्मल, अगर कोई ओवरलोड हुआ थर्मल ओवरलोड तो ये ओवरलोड हो जाएगा। तो दो चैनल है और इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाता है चैनल 1 के चैनल 2 की, और इसमें आपको सारा चीज़ दिख दिख जाता है। इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हो। प्रीव्यू अप डाउन करने के लिए ये है, नेक्स्ट और डाउन करने के लिए ये सब बटन है। आप इसके मैनुअल पर देख के भी इसको आराम से चला पाओगे। अब सवाल क्या है वो पहले देख लेते हैं। सवाल है कि मुस्कान डीजे कारगेना जी का एक सवाल है कि इनके पास क्राउन का XTI 4002 में 21 इंच का 2000 वाट क्या थ्रो दे पाएगा। तो इसके सवाल का जवाब हम पहले देंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम क्राउन की अभी XTI 4002 का थोड़ा सा हम लोग रिव्यू पहले क्या कर रखा था, थोड़ा सा हम दिखा रहे थे जो लोग नए हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे है क्राउन की XTI सीरीज। भाई देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्राउन एक बहुत अच्छी ब्रांड है जिसको JBL अपनी स्पीकर में अपनी एम्पलीफायर के लिए यूज करता है। JBL का खुद का एम्पलीफायर ज़्यादा नहीं है, मेनली वो क्राउन को अपनी एम्पलीफायर के लिए यूज करता है। तो उससे सोच लीजिए कि क्राउन्स कैसे हैं। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पे इनपुट आप देख सकते हैं, नॉर्मल जैसे इनपुट, दो इनपुट है, लेफ्ट राइट, या तो आप बोल सकते हो लेफ्ट राइट इनपुट है जो कि मिक्सर से आप डायरेक्ट दे सकते हो, या तो क्रॉसओवर से भी दे सकते हो। और ये चैनल और लिंक आउट जो कि स्टेरियो मोड के लिए लेफ्ट राइट, और एक एम्पलीफायर आप भी इसके साथ लिंक आउट जो डेजी चेनिंग कहते हैं, इसे लिंक करके आप दूसरा एम्पलीफायर भी इसके साथ लगा सकते हो। और उसके बाद देखिए क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैन भी दी गई है, और आउटपुट आप स्पीकर कनेक्टर से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप बाइंडिंग पोल का भी व्यवस्था है, आप बाइंडिंग पोल से भी, ये चैनल 1 का है, ये चैनल 2 का है। ब्रिज मोड जब चलाएंगे तो यहाँ पे आपको लगाना है, याद रखिए ब्रिज मोड का अच्छे से ध्यान पर रखिए, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है। स्पीकर को आपको इसके अंदर लगाना है, ये बाइंडिंग पोल पे, इस पर माइनस रखना है, इस पर प्लस रखना है। अगर पिन का कनेक्शन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पिन जो है चैनल 1 का पिन ऐसे लगाना है। देखिए 1+1-1-1 चैनल के लिए ऐसे आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं और डिटेल में, यहाँ पे वार्निंग्स दी गई है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम बाद में इसमें आप देखिए। यहाँ पे आप इथरनेट हाई क्यू नेट भी लगा सकते हैं, ये मतलब आपको और एक इंटेलिजेंस फैसिलिटी देता है जो कि बहुत अच्छा होता है। अब इनके सवाल पर चलते हैं, क्या ये चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे वो पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको उसकी डाटा शीट पर जाना होगा, 21 इंच हो, 18 इंच हो, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैंने वाटेज से ज़्यादा मतलब है। और क्राउन की एम्पलीफायर्स देखते हैं ये 4002 की कहाँ पे चलाएगा। और सबसे ये है इनकी एक ही स्पीकर है या दो स्पीकर है, इन्होंने नहीं बताया ठीक से कितनी ओम का है, नहीं बताया। फिर भी मैं मान के चलता हूँ 2000 वाट 21 इंच एक ही स्पीकर है इनका, और आपको मैं बोलता हूँ ये 2000 वाट 8 ओम है और एक ही स्पीकर है, 1 स्पीकर ओनली। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर दो स्पीकर होगा तो उसके लिए होगा कि नहीं वो पहले देखेंगे। तो चलिए एक स्पीकर 2000 वाट 8 ओम पे क्या होगा डाटा शीट पे, तो चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। यह है आपकी XTI 4002 का डाटा शीट। तो 2 ओम पे ये डुअल यानी 1600 वाट प्लस 1600 वाट, 2 1600 वाट चला सकता है 2 ओम पे। 4 ओम पे ये 1200 वाट प्लस 1200 वाट चला सकते हैं। 8 ओम पे ये चला पाएगा 650 वाट का 2, यानी 8 ओम पे अगर ये एम्पलीफायर आप लेते हैं तो आहूजा का जो SWX 650 वाट ऐसा 2 चला पाएगा 4002 पे, ऐसा ये रिकमेंड करता है, इसकी पावर मैट्रिक सही है। अब देखिए 4 ओम ब्रिज पे 3200 वाट दे सकता है और 8 ओम ब्रिज पे 2400 वाट दे सकता है। तो यहीं पे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा जो लोग देख रहे हैं, 8 ओम ब्रिज पे ये 2400 वाट देगा और आपको चलाना है 2000 वाट 21 इंच का स्पीकर। तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका, ओनली 1 तरीका, वो है आपको इसको ब्रिज मोड पे चलाना होगा और केयरफुली चलाना होगा, चल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 21 का स्पीकर है, 2400 वाट जब इसको मिलेगा ब्रिज मोड पे, जबरदस्त अच्छा पहुँचाएगा क्योंकि 400 वाट हेडरूम है, अच्छा बजेगा।
और बाकी कोई भी मोड पे ये नहीं क्लियरली पहुंचता। नहीं बताया, फिर भी मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ, एक स्पीकर है उनके पास, तो ये उनकी आंसर होगा कि इसमें ओनली ब्रिज मोड पे चला चला सकते। तो ब्रिज मोड पे कैसे चलाना है वो चीज़ हम बता देते हैं आपको, पहले भी बता रखा था। आपको यहाँ पे लगाना है माइनस को आपका जो स्पीकर का, और प्लस को प्लस में लगाना है। केयरफुल लगा, इसमें ही ब्रिज मोड हो पाएगा, और बाकी आपको इनपुट चैनल वन पे देना होगा, उतना ही बात है, और आपकी आराम से ये निकल पड़ेगी, उतनी ही बात है और कुछ नहीं है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और उससे पहले मैं आपका प्राइस इसको दिखा देता हूँ, प्राइस पॉइंट आप चाहे तो इसको अमेजन से खरीद सकते हैं। 56,000 का आता है, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दे रहा हूँ। XTI 4002 का 56,000 है, लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसको खरीद सकते हो दोस्तों। और ये XTI 6002 जो होता है 79,000, इसका भी लिंक मैंने दे दिया हूँ। और आपका होता है इसका और एक मॉडल आ रहा है XTI 1002, जो कि 23,900। तीनों का प्राइस हमने बता दिया, ये तीन मॉडल का, जैसे 1002, 4002, 6002, तो ये सारा का मॉडल का हमने प्राइस बता दिया है। तो आप चाहे भी इसको ले सकते हो आराम से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप इन सब का लिंक मैंने दे दिया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन जाके इसको ले सकते हो, और आप खुद भी देख सकते हो, और लिंक से चाहिए और सही प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। और कुछ लोग बोलते हैं सर आप प्रोडक्ट नहीं दिखाते हो, कुछ प्रोडक्ट मैं दिखाता हूँ दोस्तों, लेकिन सारे प्रोडक्ट मेरे पास भी नहीं होते हैं, आप समझा करिए मुझे। डेस्क आप हर हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसको थोड़ा वीडियो बनाइए इसका। अब देखिए दोस्तों, सारा चीज़ का प्रोडक्ट मैं डीलर नहीं हूँ, या कोई भी डीलर आपको सारा प्रोडक्ट का रिव्यू भी नहीं दे सकता। वो अपने पास होना, कुछ प्रोडक्ट का बात कर सकता है, या कोई मतलब देख के कहीं से वहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मेरा सारे प्रोडक्ट मेरे पास होगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि आप कोई कोई कुछ भी प्रोडक्ट पूछ देते हैं, मतलब आहूजा का किया तो ठीक है, आहूजा का सारा मैक्सिमम प्रोडक्ट मेरे पास है, स्टूडियो मास्टर की मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मेरे पास है, और बाकी कुछ कुछ पी ऑडियो के कुछ स्पीकर्स मेरे पास है, RCF का कुछ है, JBL का कुछ है, मतलब कुछ कुछ मिक्सचर्स की है, जैसे यामा मिक्सचर्स की है, साउंड कार्ड मिक्सचर्स की है, आपकी स्ट्रेंजर मिक्सचर्स की है, मतलब कुछ सामान मेरे पास है, कुछ मॉडल्स उनमें से। अगर आप सारे मॉडल्स पूछेंगे तो मेरे पास भी नहीं होता दोस्तों, तो वही एक प्रॉब्लम होता है। मैं कोशिश करता हूँ उसको आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने के लिए, तो प्लीज़ आप उसको समझिए, और वीडियो को ऐसे देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो दो वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप उसको शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।